नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी पैट की परीक्षा बहुत करीब आ चुकी है और आज से 6 दिन और शेष बचे हैं, और आज के दिन को काउंट करते हैं तो 7 दिन परीक्षा के बचे हैं। ठीक है, 8वें दिन जो है हमारी परीक्षा है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग एक प्लान बना के चल रहे होंगे कि अंतिम समय में क्या पढ़ें हम, जिससे कि हमारा स्कोर 85 से 90 अंक तक पहुंच जाए। तो आज मैं आपको एक प्लान बताने वाला हूं, और उन प्लान से पहले आपके मन में उठने वाले बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि अभी अभी ऑफलाइन क्लास करके हम आए हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न जो थे बच्चों के उठकर आ रहे थे हमारे सामने। तो उसमें पहला प्रश्न ये उठकर आ रहा था, अंतिम 7 दिनों में कैसी तैयारी, कैसे 80 से 85 अंक प्राप्त करें, परीक्षा की तिथि बिल्कुल निकट है 28 और 29, कैसे करें एग्ज़ाम में टाइम निर्धारित, अपना टाइम मैनेज कैसे करें, कितना सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है, और अंतिम समय क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। तो दोस्तों, सारी चीज़ों का जो है आज हम जवाब देने वाले हैं आपको। बस क्लास में आप बने रहिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं प्लान क्या है, और जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये प्लान को अपनाया, और पिछले परीक्षाएँ जितनी हुई, 2021 की परीक्षा हुई और 2022 में परीक्षा हुई, बहुत अच्छे नंबर उन्होंने वहाँ से प्राप्त किए हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आप इस प्लान पर काम करिए, क्योंकि अभी तक ये ऑफलाइन प्लान बताता था मैं, परंतु इसी साल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया, तो इसी को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को जो है ये प्लान पहले से बताता हूँ, और उसमें बहुत अच्छे नंबर लेकर आते हैं। तो अभी हमारे पास दिन बचे हैं, यानी कि आज का दिन भी काउंट करते हैं 7 दिन, मात्र आपको 5 घंटे पढ़ना है डेली। यानी कितने घंटे पढ़ना है आपको, डेली जो पढ़ना है वो आपको इस टाइम 5 घंटे आपको पढ़ना है। कितने घंटे, 5 घंटे। अब सोच रहे हो सर इतना, हम तो 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। बेटा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, केवल 5 घंटे पढ़ो, और पढ़ो शिद्दत के साथ। आपको फिर पेपर देने के बाद आपको पता चलेगा उस 5 घंटे का रिजल्ट क्या था, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अच्छा पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहली बात आपका क्या है कि 2 घंटे में आपको संविधान का नोट्स रिविजन कर देना है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था का भी नोट्स को रिविजन कर देना है पहले डे 1 में। 1 घंटा आपको डे 1 में देना करंट अफेयर, वो भी किस माह को, मंथ माह, मतलब मई मंथ को, मई को देना है। फिर 1 घंटा देना है उसी में मैथ को देना है, और मैथ में 1 घंटे में आपको पाई ग्राफ और दंड आरेख निकालना है, और उसी दिन 1 घंटे में जो है हिंदी गद्यांश और पद्यांश देखने हैं केवल। तो हमारा डे 1 पूरा क्लियर हो चुका है, यानी कि डे 1 में 2 घंटे आप संविधान नोट्स और इकोनॉमी को दे सकते हैं, 1 घंटा आप करंट अफेयर को दोगे, वो भी कौन से माह के, मई माह के, ठीक है। 1 घंटा जो आप दोगे वो मैथ में दोगे, किस किस को दोगे, पाइग्राफ और दंड आरेख को दोगे, ठीक है बेटा। 1 घंटा जो है आप हिंदी को दोगे, ठीक है, और वो उसमें क्या है, गद और पद। यहाँ से हो चुका है हमारे 5 घंटे कंप्लीट। अब आता है डे टू में 3 घंटे आप किसे दोगे, इतिहास नोट्स को दोगे और स्टैटिक को दोगे। यानी कि 3 घंटे आपको स्टैटिक और इतिहास पढ़ना है, स्टैटिक और इतिहास 3 घंटे। उसी दिन 1 घंटे में आप पढ़ना है करंट अफेयर, मगर आपका आज जो पढ़ना है वो जून का पढ़ना है, जून मंथ का पढ़ना है। 1 घंटा आपको देना है मैथ में, मैथ में देखना है रेखांकन और सारणी, क्या देखना है, रेखांकन और सारणी देखना है, ठीक है भैया। उसी टाइम पर आप देखिए यहाँ पर भी 5 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे आपके जीएस हो चुके हैं और स्टैटिक हो चुका है, 1 घंटा करंट अफेयर हो चुका है जून माह का, 1 घंटा आपका मैथ में हो चुका है, रेखांकन और सारणी हो चुकी है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर आगे बात आती है, आगे बात जो आती है आपकी, आती है डे 3। डे 3 में 3 घंटे में आप ज्योग्राफी नोट्स पढ़ोगे, यानी भूगोल और स्टैटिक पढ़ोगे। तो यहाँ स्टैटिक 2 जगह हो गया, क्योंकि 10 नंबर का, इसलिए 2 जगह बहुत ज़रूरी है, 2 जगह पढ़ना बहुत ज़रूरी है स्टैटिक। ये अंतिम प्रहार बता रहा हूँ, अंतिम प्रहार कैसे करना है, भूगोल नोट्स पढ़ना है आपको। अगले 1 घंटे में जो पढ़ना है आपको करंट अफेयर पढ़ना, मगर जुलाई का पढ़ना है, कब का पढ़ना है, जुलाई माह का पढ़ना है, ठीक है भैया। 1 घंटा जो पढ़ना है आपको मैथ पढ़ना, और मैथ पढ़ना दशमलव भिन्न, सारणी और साधारण भिन्न। तो भिन्न आपकी सरलीकरण हो गया और दशमलव भिन्न, ये 5 नंबर की क्लास आगे आ गई आपकी, ठीक है भाई, ये पढ़ना है आपको डे 3 में। डे 4 में आपको पढ़ना है, इसमें भी डे 3 में पूरा होगा। डे 4 में 3 घंटे आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना, तीनों विज्ञानों को 1-1 घंटा देना है, जिससे कि क्या करना है, हल्का 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 मोटी मोटी चीज़ें यहाँ से पढ़ के निकलना है, ठीक है। 1 घंटा जो है आपको करंट अफेयर पढ़ना है, वो भी किसका पढ़ना है, अगस्त का पढ़ना है, किसका पढ़ना है, अगस्त का पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा उसी दिन जो पढ़ना है आपको मैथ का पढ़ना है, और प्रतिशत और औसत पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है, प्रतिशत और औसत। यह अंतिम समय बता रहा हूँ, अंतिम में सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते, मगर मुख्य मुख्य चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, सब चीज़ें तो नहीं पढ़ सकते मगर मुख्य मुख्य पढ़ सकते हैं,
ठीक है। डे फाइव की अगर बात करें हम, तो 3 घंटे आपको देना है डे फाइव में, और आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने हैं और स्टैटिक जीके पढ़ना है। तीसरा पार्ट स्टैटिक का आ गया, 1, 2 और 3 क्यों जरूरी है, क्योंकि 10 नंबर का है। 1 घंटे में करंट रिवीजन करना है, जो आपने 4 महीने का पढ़ा, मोटी मोटी उसमें से घटनाएं निकाल कर उसको रिवीजन करना है वहाँ से। फिर 1 घंटा अंतिम जो बचा, इसमें आपको तर्क शक्ति देखनी है, रीजनिंग देखनी है। अभी आपके पास बचते हैं 2 दिन, और 2 दिन में आपको क्या करना है, आपको 2 दिन में पूरी तरीके से एक बार रिवाइज मानना है, पूरी तरीके से 2 दिन के 2 दिन में पूरा रिवाइज करना सारे को। 2 के 2 दिन अंतिम 2 दिन जो होते हैं, उसमें पूरे सिलेबस को जो हमने इन 5 डे में कवर करा था, तो इस 2 दिन में जो है, अंतिम 2 दिन में जो है, इस अंतिम 2 डेज में जो क्या है आपका रिवीजन करना, फुल रिवीजन जिसे हम कहते हैं, फुल रिवीजन जो भी मैंने आपको बताया है 5 दिन का, उसमें आपको क्या करना, फुल रिवीजन करना है इसका, ठीक है। 10 घंटे में आप इसको, 10 से 12 घंटे में आपको 2 दिन में, या 14 घंटे में भी, 7-7 घंटे में पूरे को रिवीजन कर सकते हो इस पूरे तालिका को अच्छे तरीके से। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये तो आई 7 दिन की तैयारी, 80 से 90 नंबर ला सकते हैं हम इससे। परीक्षा की आप हो चुकी, कैसे करें एग्ज़ाम में टाइम निर्धारित, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले एग्ज़ाम में, कैसे करें टाइम निर्धारित, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को टाइम कम पड़ता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहली बार पेपर में एक नज़र में निकलिए और सारे ऐसे क्वेश्चन करिए जिसमें कलम चलाने की ज़रूरत ना पड़े, एक नंबर भी कलम ना चलाओ आप, ऐसा केवल नज़र के साथ हो जाए पूरा पेपर, ऐसा देखिए। तो अगर 40 क्वेश्चन भी आपने 100 में से नज़र के हिसाब से उठा लिए, बिना पेन लगाए उठाए, जैसे GS हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग का हो गया, ठीक है, आपका स्टैटिक के हो गए हैं, करंट अफेयर के हो गए, जिसमें आपको कलम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आप 40 क्वेश्चन वहाँ से करते हैं, तो ये आपका हो गया। इसे 40 क्वेश्चन को आधा घंटा दिए, शुरू के 40 क्वेश्चन को जो देंगे वो कितना देंगे हम, 40 प्रश्न, 40 प्रश्न देंगे, और कितना घंटा, 30 मिनट देंगे, ठीक है भाई, 30 मिनट देंगे। और बिना पेन वाले, नो पेन, क्या है, नो पेन, इसमें पेन नहीं टच करेंगे, ऐसे 40 क्वेश्चन होने चाहिए हमारे। अभी हमारे पास 1.5 घंटा है, अभी हमारे पास 1.5 घंटा है, उस 1.5 घंटे में हमें जो करना है, अभी उस 1.5 घंटे में हमें कम से कम 15 क्वेश्चन जो है प्रश्न करने हैं, अभी 15 प्रश्न अभी हमें यहाँ करने हैं, और वो कौन कौन से करने हैं, हमें रीजनिंग के करने हैं, अभी हमें मैथ के करने हैं वो अलग वाले, ठीक है, और हिंदी गद्यांश करना है, क्या करना है, हिंदी गद्यांश करना है, 15 क्वेश्चन हमें यहाँ से करने हैं, ठीक है, जो कि हमारे 20 में से 15 और मिल जाए, यानी कि हमें पहले घंटे में 60 क्वेश्चन कवर करके चलने हैं, 60 क्वेश्चन। और जब हमारे पास रह जाए 1 घंटा, 1 घंटे से कम 50 मिनट, तो हमें क्या है, गद और पद के 20 अंक जो हैं हमारे, 20 अंक जो हैं, हम उस पर उतर जाइए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करिए 40 मिनट में पूरे आराम के साथ, तो आपका स्कोर 80 नंबर बहुत आराम से पहुंच जाएगा, 80 नंबर बहुत अच्छे से स्कोर पहुंच जाएगा, और टाइम भी आपका हो जाएगा यहाँ से निर्धारित। सेफ स्कोर की बात करें, जितनी वैकेंसी आगे आ रही है, कंपटीशन इस बार कम रहेगा। रीजन इसका कम क्यों रहेगा, कंपटीशन इसलिए कम रहेगा क्योंकि इस बार फॉर्म और साल की अपेक्षा कम है, ठीक है, सरकार को उम्मीद नहीं थी कि इतने कम फॉर्म पड़ेंगे, तो इसलिए और वर्ष की अपेक्षा जो है कंपटीशन जो है लो है, क्योंकि पिछली बार एक ही पेपर में जो है, एक ही दिन में 2 शिफ्टों में 20,70,000 बच्चों का पेपर कराया था, मगर इस बार 4 शिफ्ट में पेपर जो है वो 20,07,000 का केवल, यानी 63,000 कम भी है इस बार, ठीक है, 2021 के समय, जबकि 2022 तो बाप रे बाप बहुत थारे 37 लाख लोग थे पिछली बार, तो इसलिए उन्होंने इंतजाम ज़्यादा किए थे, ठीक है भाई। सेफ स्कोर आप कहोगे तो 80 से 85 सेफ रहेगा, 80 अगर 80 प्लस भी लेकर आओगे तो ये सेफ है, आप किसी वैकेंसी में चुने जा सकते हो अगर आपके 80 स्कोर आते हैं। अंतिम समय में क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, नया कुछ मत पढ़ो, जितना भी हो पाए कितने समय पढ़ो, 7 से 8 घंटे पढ़ो, 7 से 8 घंटे पढ़ो डेली, 7 से 8 घंटे डेली पढ़ो, नया कुछ मत पढ़ो। क्या पढ़ो, रिवीजन करो जो पुराना है उसे रिवीजन पढ़ो, और कितना पढ़ो वो मैंने बता दिया है, 7 से 8 घंटे पढ़ो, जितना भी हो उसको रिवीजन करो, ठीक है, बार बार बातों को रिवाइज करो, उससे क्या होता है हमारे डाउट क्रिएट नहीं होते हैं, एग्जाम में डाउट नहीं बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसी प्लान पर काम करना, जब उसके बाद में आपको क्रेडिट मिलेगा कि आपने यहाँ पैट में क्या करा था, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी जानकारी के लिए, अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसी प्लानिंग सबको पता चलनी चाहिए और उनको अच्छे नंबर लाने में इस चीज़ में फ़ायदा करें और हम एक मेंटोर की भूमिका निभा सकें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नई जानकारी और नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।